एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि उनको स्वेटर्स और सॉक्सेस बनाने का बहुत शौक है और मैंने बचपन में बहुत पहने हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि हिमाचल में जो वुलन के कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। सो हम लोग बाहर से तो बहुत कम लेते हैं, इन्होंने घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं मॉम। तो मॉम को आदत है, वो घर पे बनाते हैं, पर पहले वो हाथ से बनाते थे जब हमारा टाइम होता था। बस आजकल वो एक मशीन के साथ भी वो चीज़ को पूरा कंप्लीट करते हैं, जो जो सेक्शंस उसमें कन्वर्ट मतलब बनते हैं, जिसमें जो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। आप इस वीडियो में देखो, आपको पता लगेगा। एंड मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल। बेल आइकन को प्रेस करोगे सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। सो आप व्यू देख सकते हैं पीछे मेरे घर का, ये मेरे घर का व्यू है, वहाँ पे मॉम बैठे हुए हैं। तो आप वीडियो देखो पूरा का पूरा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब। क्या बना रहे हो? कहाँ बन रहा है? अच्छा, ये बन रहा है। ये क्या लगा? वेट ये वेट क्यों लगे हुए हैं? अच्छा, नीचे से नीचे पजामा था ना, तो ये ऊपर का नहीं होता है। अच्छा, टांग के लिए कितनी लंबी चाहिए? टांग को बच्चे की टांग कितनी होती है? हाँ, तो इतनी हो जाएगी, उसके आगे पैर आ जाएगा। फिर ज़्यादा लंबी लगेंगे तो फिर इतना निकाल देते हैं। अब ये निकालनी है ना, इधर का निकाल दिया ना, इधर का निकाल दिया ना, अब इसको पीछे घुमाएंगे, मशीन को निकल जाएगी सारी। अच्छा, अब इसे स्लाइड में डालेंगे। ये क्या करती है मशीन? ये क्या लगा इसमें? ये सुनिए, तो ये कम हुआ होगा, छोटे बच्चे के लिए हो गया, आगे बड़े बनाएंगे बाद में, दूसरा जोड़ा देखेंगे। ये हो गया ना, अब जैसे ये डालना ना, ये इसमें सिलाई में ना, सिलाई में नहीं है, इधर डालना है ना। ये स्टार्टिंग का बॉर्डर आपने उससे बना रखा है? ये तो सॉक्स का बनाया है, उससे इससे मोटा बनता है, डबल बनता है। ये बॉर्डर है? हाँ, ये बॉर्डर मशीन से बन जाता है, मोटा मोटा बनता है मशीन से। मशीन से भी बॉर्डर बन जाता है? हाँ, बॉर्डर बनता है। पर हाथ से बना के क्या फायदा है? हाथ से बनाने के ये है ना कि मशीन के ये फिर खुल जाते हैं थोड़े, और ये हाथ से बना है ना, ये खुलेंगे नहीं, पूरे का पूरा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, ये हिमाचल के जो सॉक्सेस होती हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हिमाचल सॉक्सेस एंड वुलन स्वेटर्स एंड सॉक्सेस जो होती हैं, वो ये घर पे भी ऐसे बन जाती हैं। पहले तो आप उससे बनाते थे ना, हाथ से बनाते थे पूरा, तो आजकल मशीन्स आ गई हैं। मशीन रख ली है, मशीन से बना देते हैं। मर्जी को पसंद है। ठीक है, ये अभी इसमें ये निकालने से बड़े बड़े ना, अभी जो आगे का मोजा बनाना है ना पैर, ये आगे का बनाना है ना, तो ये इसको कुंडे उठाना पड़ेंगे, घटाना पड़ेंगे, बढ़ाना पड़ेंगे, वो इसमें नहीं होंगे, वो इसमें नहीं होंगे, हो जाते हैं। ये इसमें सिर्फ लेंथ जो वाला हो जाती है, बड़ी बड़ी सॉक्स जो आप पहनते थे वो बनाते थे, वो पूरी इसमें बनी है। अच्छा, वो इसमें बन जाती है, बन जाती है। ये ऐसे छोटे बच्चे की है ना, इसका थोड़ा ये भी बन जाती है, जैसे पर मैंने सीधा सीधा काम करती हूँ, जल्दी में है, ये भी बन जाएगी। इसमें क्या कि अब ये हाथ से बनाओगे फिर कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, थोड़ी देर बनाएंगे। इसमें क्या कि उल्टे फंदे नहीं कर सकते, सीधा सीधा बन सकते हैं। वो क्या होता है उल्टे फंदे? ध्यान रखते हैं जाली वाली, और जैसे इधर कुंडे करते हैं ना, जैसे ये सीधे हैं, ये उल्टे हैं, ये उल्टे हैं, ये सीधे हैं, तो ये सीधे तो आ जाएंगे, उल्टे नहीं मशीन में आते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें उल्टे और महंगी महंगी मशीन में 35-40 हज़ार की आती है, उसमें सभी बन जाते हैं, ये तो चार जाते हैं। डिज़ाइन भी बन जाता है? हाँ, डिजाइन बन जाते हैं, कलरफुल, दो कलर का। हाँ, छोड़ी दिया बनाने तो आपने वैसे बहुत बनाए हैं। हाथ से कितना बनाते थे? हाथ में बहुत बनाते हैं, बहुत बनाए हाथ के, तो कोई हिसाब नहीं, कोई दुनिया नहीं छोड़ी गई जिसको नहीं बनाया होंगे हाथ से। सबको बड़े से बड़े स्वेटर बनाए। पापा का स्वेटर मेरे को सबसे पसंद, वो एक वो याद है, वो वाला स्वेटर जो था कोको कोला कलर का, और वो वो तो पता नहीं कितने साल डाला है पापा ने, जिसपे ऐसे बना, नहीं नहीं फुल, जिसपे ऐसे ट्राइंगल से बना हुआ था, कोको कोला कलर का फुल स्लीव का स्वेटर था। अभी एक स्वेटर अंदर है, उसमें तीन कलर का, ऐसे ऐसे तीन कलर का।
हाथ से बनाए हुए? हाँ हाथ से बने हुए हैं। गाँव में जिसको बच्चा होगा ना उसको, हर बच्चे को मैं हाथ से दो सेट में देने ही देने बराबर, जिस जिसमें हमारे गाँव में हुए हैं बच्चे सबको शौक रखा ना कि छोड़ दिए में तो अब बना लिया आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है। बहुत हमें तो कुछ नहीं आता बनाना, अभी छोड़ दिया अगले बनाती क्या करना बनाते हैं, अभी दो बेबी छोटे पड़ गए हैं, अभी एक बारी आएगी तब देखेंगे, तब तो शुरू से हो जाएगी शुरू। अब मेरी बारी आएगी तब होगा। तो ये है हमारे बालकनी का व्यू, बारिश हो रही थी अभी एकदम बढ़िया बिल्कुल। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लगा हो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने में इतने सालों बाद अपनी मॉम को कुछ बनाते हुए। सो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट, और इस तरह के और वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है, बिकॉज ये एक मेमरीज़ भी अटैच हो जाती है, मेरे से मेमरीज जुड़ जाती है मेरे यूट्यूब पर, और आप सभी को भी पता लगता रहता है कि हाँ ये क्या क्या चीज़ें होती है हिमाचल में ऐसी जो हम लोग जब छोटे होते थे तो हम ये सारी चीज़ें बता नहीं पाते थे। रीज़न इसलिए होता था कि हमारे पास इतने अच्छे फ़ोन, हमारे इतने अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी इंटरनेट की। अब मेरे को मौका लगा है तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये वीडियो बनाता हूँ और आप सभी तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली फिटनेस और इस चीज़ें ही बनाता रहता हूँ, बट अपने ट्रैवल का ब्लॉग ये बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है। और थैंक यू गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।